वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। लगातार कई दिनों से जो नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य जो भी विषय हमारे समक्ष आ रहे हैं, मतलब कमेंट बॉक्स पे या हमारे अबाउट में या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जो भी लोग ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो पर्टिकुलरली मैसेजेस कर रहे हैं। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं समझ आ रहा कि जो 1 तारीख से पेपर होगा वो होगा कि नहीं, क्योंकि कल एक नोटिस आ गई थी, एक फेक नोटिस, उसको लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो मैं क्लियर करता हूँ, वो नोटिस फेक थी, ऐसा नहीं है। उसका आपने जब देखा होगा वो नोटिस फेक है, उस पर ध्यान ना दे करके। और आज यानी कल 26 तारीख तक, तो 26 तारीख तक जैसा कि आपको मालूम है फॉर्म भरने डेट है, लेकिन इससे पेपर पोस्टपोन होने का नहीं है। कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि 26 तारीख तक तो सर फॉर्म ही भरा जाएगा, तो पेपर कैसे होगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी लगातार तैयारी कर रही है पेपर कराने की। जानते हैं काफ़ी करीब 15-20 हज़ार बच्चे हैं, उनका पेपर कराना थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है और पूरी आपका हर कॉलेज से बात चल रही है, हर कॉलेज से मीटिंग हो रही है, एग्जामिनेशन पेपर सेट हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल बात करी थी, इस नोटिस के आने के बाद जो फर्जी नोटिस के सर ऐसा क्या है क्या नहीं, तो बोले ये सब गलत है और इन पे कार्रवाई भी होगी जो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर अगर वो फैल रहा है, अगर वो अपने MPMSU की साइट पे नहीं, ऑफिशियल साइट पे नहीं, तो आप नहीं माने। उनका कहना ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मान करके घर बैठ गए, नहीं आ रहे पेपर देने, विकल को बोल दे सर ये नोटिस तो आई थी। तो मैं क्लियर करता हूँ, आप लोग के पेपर होंगे। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे पुरानी वीडियो से, तो मैं क्लियर करता हूँ आप लोग के पेपर होने वाले हैं। तो कृपया करके अपने अपने जहाँ जहाँ आप लोग के सेंटर है वहाँ जाइए। कुछ अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी यही अपडेट है, आप लोग अपने टिकट्स करा लीजिए। अब तो पूर्णता अपडेट आ गई है कि पेपर होगा और मानते हैं 3 साल बाद पेपर हो रहा है। और पैरामेडिकल सेक्शन को लेकर के जो DMLT सेक्शन के बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया है, और उनका भी प्रिपरेशन चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने बताया है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी फाइनल ईयर का BSc का सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भी पेपर होना है फाइनल ईयर का, तो उनके लिए भी क्लियर अपडेट यही है कि जैसे रिजल्ट आएगा फिर आप लोग के पेपर होंगे और रिजल्ट भी अगले सप्ताह तक आ सकता है। कुछ बच्चे जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं BSc के, उनके रिजल्ट नहीं आए, उनके भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रही है। DMLT थर्ड ईयर के रिजल्ट, मतलब लगभग रिजल्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, ये मार्च के अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ऐसी बात हुई है। तो अगर किसी के नहीं भी आए, अब किसी की मार्कशीट में करेक्शन में दिक्कत आ रही है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट डिग्री है, प्रोविजनल है, इन सब की किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही यूनिवर्सिटी में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। जो बच्चे ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आवर डिजिटल लाइब्रेरी का, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप चाहें तो छोटा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बड़ा भी, जैसा आपको उचित लगे। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।